गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको टेस्ट वर्कआउट करेंगे हम, जो कि बहुत हैवी होने वाला है। सबसे मुश्किल काम यही है किस गली में से निकालना। बस जितना टाइम यहाँ से जिम पहुँचने में लगता है उतना इस गली में से निकालने में लग जाता है। चलो आज तो कुछ सामने से नहीं आया। भाई इस एरिया में, इनके घर के साइड में चार जिम खुल रही है, इस कोने पे, एक ही लाइन पे, एक ही रोड पे। तो मैं जिम दिखाता हूँ, मैं कितनी जिम है, मतलब जिमों का क्रेज इतना हो चुका है कि एक रोड पे चाहे तुम 10 जिम खोल दो, 10 की 10 जिम चलेगी। अब ये दिखाते हैं दूसरी जिम, फिर तीसरी, फिर चौथी, चार जिम। और दो जिम तो ऐसे है बिल्कुल पड़ोसी वाले आपस में, मतलब दोनों की पार्किंग भी एक ही है ये समझो। उसमें हम पहले जाते थे। तो देखो रोड पे यार लोग, एक जिम ये रही, एक रोड, एक जिम ये है, और दो जिम और दिखाते हैं आपको इसी इसी रोड पे। अब ये वाली जिम देखो, ये तो बिल्कुल एक ये है राइट साइड में, वो दिख रही हुई गोल्ड्स, द गोल्ड्स करके, और एक ये रही परसोना प्राइम। और दो जिम बिल्कुल अगल बगल में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम दो सेट पुशअप्स के लगाएंगे, जो कि हमारे वार्म अप सेट होंगे। 10 से 15 रैप्स लगाएंगे और फुल रेंज ऑफ मोशन लगाएंगे, पूरा डाउन जाना है, पूरा अप आना है, ताकि अच्छी तरह मसल पंप हो सके। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम 16 रैप निकालेंगे। फर्स्ट सेट हमारा लाइट वेट से ही स्टार्ट करेंगे। चलो तो पहले सेट में हमेशा 16 से 14 रैप ही आने चाहिए। हाँ, और ना आपको ज़्यादा जाना ना कम जाना, आप उस अकॉर्डिंग वेट ले, इस अकॉर्डिंग आप पे यही रैप निकले, फुल रेंज ऑफ मोशन ले, ये नहीं कि हाफ रैप निकालो आप। तो अब हम दूसरा सेट ले रहे हैं जिसमें हम 12 से 14 रैप निकालेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम वेट ले रहे हैं। बाकी इसमें हमने वेट इंक्रीज़ कर लिया है। तो हमारा ये सेकेंड सेट है, क्योंकि फर्स्ट सेट हमने वार्म अप लिया था, तो ये हमारा 70 kg वेट है जो कि हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब इसमें हम 10 से 12 रैप निकालेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग हमने वेट बढ़ाया, जिस अकॉर्डिंग हम पे 10 से 12 रैप निकल पाए। आप भी उसी अकॉर्डिंग वेट को इंक्रीज़ करेंगे जिसमें आप एक रैप रेंज सेट रखें। तो उस तो ये हमारा थर्ड सेट है जिसमें हमने 90 kg वेट लिया है, और इसमें हम 8 से 10 रैप्स निकालेंगे, और बाकी एक सेट और एक्स्ट्रा लगाऊंगा मैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कितना इंटेंसिटी, कितना हैवी जा सकता हूं लास्ट। उसमें एक या दो ही रैप आएंगे, बाकी देखते हैं 90 kg से हम कितने निकालते हैं। 8 से 10 रैप तो आ ही जाएंगे ईजी। तो ये हमारा लास्ट सेट है जो कि हम फोर्थ सेट ले रहे हैं, और इसमें हमने 100 kg वेट लिया है जो कि काफ़ी हैवी है। इसमें एक या दो रैप आएंगे, बाकी देखते हैं और एक्स्ट्रा आ सकते हैं।
तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है जो कि है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और ये हमारी अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड रखें। इसके भी हम वही रैप रेंज निकालेंगे जो कि हमने पहले में 16, 14, 12 तीन सेट में अलग, बाकी आप पंप देख सकते हो कि कितना मैसिव आ रहा है। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जो कि है डंबल प्रेस, और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपनी चेस्ट ग्रो करने के लिए। और इसके मैं पहला सेट लगा रहा हूँ, इसमें भी रैप रेंज हम वही रखेंगे 16, 14, 12 तीनों सेट में हैवी लेते जाएंगे और वेट को बढ़ाते जाएंगे, रैप कम करते जाएंगे थोड़े थोड़े। तो ये हमारा सेकंड सेट है डंबल प्रेस का, जो कि एक डंबल 35 केजी का है, दोनों डंबल 70 केजी। तो इसमें देखते हैं कितने रैप आए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 12 से 14 रैप आ ही जाए। तो ये मेरा डंबल प्रेस का तीसरा सेट है जो कि लास्ट और सबसे हैवी 40 केजी 80 केजी डंबल है ये, जो कि मैं डंबल प्रेस लेने वाला हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वेट ले, कभी भी किसी की वीडियोस या कुछ भी देख के किसी के होड में कभी भी ज़्यादा वेट ना ले, क्योंकि ये आपको इंजर्ड कर सकता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग वेट को ले। ये मेरी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग है। तो ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जो कि है डिक्लाइन केबल क्रॉस, और ये आपकी लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आप शुरू में भी लगा सकते हो और लास्ट में भी। तो मैंने फोर्थ में ली है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो उसे। ये आपकी जो लोअर चेस्ट है उसकी पूरी शेप को इम्प्रूव करती है, वहाँ पे मसल डेवलप करती है। तो इसकी जगह आप डिक्लाइन बारबेल प्रेस भी लगा सकते हैं, जो बिगिनर है उसके लिए वो बहुत बेस्ट है। मैं थोड़ा एडवांस हूँ तो मेरे को मूवमेंट काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं जो कि फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज है। ये फाइव एक्सरसाइज जो है आपकी मेन है, और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको अपनी पूरी चेस्ट मसल ग्रो करने के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें मूवमेंट, आप बस मूवमेंट का ध्यान रखें और रेपिटेशन जो मैंने बताया आप उसी रैप रेंज को फॉलो करें और वेट को धीरे धीरे इंक्रीज करें। बाकी पंप देख सकते हो आप, ये मेरा थर्ड और लास्ट सेट है जिसमें मैं मतलब पूरा वेट लगा लिया मैंने। तो दोस्तों वर्कआउट हो चुका है डन, और आप देख सकते हो जैसे कि, और अब हम आपको दिखाएंगे सैंड उतार के चेस्ट पंप। बाकी कमेंट में बताना कि कैसे चेस्ट पंप आ रहा है। बाकी आप देख सकते हो कि बॉडी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और। तो भाइयों वर्कआउट हो चुका है डन, और अब हम चल रहे हैं घर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको वर्कआउट और पंप। तो भाई उतार दो तुझे गाड़ी से, देख रहे हो भाई अंडे ही अंडे क्रेटे खाता है भाई, ऐसे नहीं बनती बॉडी। गर्मी हो सर्दी हो बस खाए जाओ खाए जाओ, सर्दी गर्मी में सब 5-6 ट्रे एक साथ ही लेके जा। तो अब हम बना रहे हैं अपनी ग्रिल, और यह है ग्रिल चिकन। देखो कितना सॉफ्ट है ये, उस दिन मैंने आपको चिकन ऑमलेट दिखाई थी, और यह है ग्रिल चिकन। बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट से ज़्यादा डाइट मैटर करती है। तो भाइयों जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी मील रेडी हो चुकी है, और ये है हमारी आफ्टर की मील, और ये हम खाएंगे शाम को। शाम का भी मैं अभी बना के रख लेता हूँ, क्योंकि बार बार ग्रिल करना उसमें टाइम लगता है, इसको गर्म करो और खा लो। बाकी